अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। यह है वीकेंड और यानी संडे है, और संडे में भी सारा दिन गुजर गया। यही शाम का टाइम हो रहा है जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की, तो मुझे सारा दिन बस ऐसे गुजरा कि टाइम का पता ही नहीं चला। सुबह उठे भी लेट, फिर नाश्ता लेट किया, और फिर वैसे वैसे काम भी लेट हुआ। जैसे कि आपको पता है कि उससे एक दिन पहले मैं अपने सिस्टर की तरफ गई थी, तो सारा घर गंदा पड़ा हुआ था। तो आज मैंने घर भी अच्छी तरह क्लीन किया और कपड़े भी वॉश करने वाले थे वो भी धोए। और अभी हालांकि मैं खाना नहीं बना के आई थी, खाना जो है वो मैंने क्या मतलब सिर्फ दो आलू उबाले, क्योंकि मेरे पास दो ही आलू थे और मैंने वो ही उबाल लिए। और यहाँ पे शीजा अपना गिलास दिखा रही है सबको, जो कि इसकी नादिया फूफो लेके आई है इसके लिए। अच्छा, ये शीजा को बस यही पता है कि इसकी एक ही फूफो है और वो है नादिया फूफो, क्योंकि नादिया घर पे होती है मेरी सिस्टर, तो बस वो यही समझती है कि मेरी फूफो एक ही है। और ये हमारे पास आती नहीं है, बस आज पता नहीं कैसे मेरे साथ लग गई, क्योंकि मैं मेरी चादर से मिरर उतरा था तो मैं वो शान से के लगा रही थी, तो इसे शौक हुआ कि फूफो मेरे लगाए, तो अब मैं इसके इसको लगा के इसके माथे पे लगा के दिखा रही हूँ। तो इतना खुश हो रही थी, माशाल्लाह इतना खुश हो रही थी। तो हम वापस जाने लगे थे अब, लेकिन अम्मी अब्बू ने रोक लिया। अम्मी अब्बू कहने लगे खाना खा के जाना है। तो आज हमने सोचा कि आज बड़ों की बात मान ही लेते हैं, वैसे हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन हम अमूमन खाना जो है वो बहुत कम खाते हैं। खैर, अम्मी के घर खाते हैं, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा आओ वो खाने का टाइम ही नहीं होता, तो रुकने की कोई वजह भी नहीं बनती। तो आज खाने का भी टाइम था, और मेरी भाभी ने बनाई थी आज दलीम, जो कि बहुत मज़े का बना था। और वैसे जो है वो लोग इसको हलीम भी कहते हैं, हम भी पहले हलीम कहते थे, लेकिन जब से मैंने सुना है कि अल्लाह ताला के सफाती नामों में से एक है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसको हलीम कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तो मैं अब दलीम ही कहती हूँ। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि आप सोचें कि ये दलीम होती क्या चीज़ है। तो ये मैं ऊपर प्याज वगैरह जो है वो सब कुछ डाल के बड़ा मज़ा आया खाने का, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छी लगी दलीम, कि उन्होंने माशाल्लाह चमचों के साथ भी बहुत ज़्यादा खाया। और अब हम आ गए हैं घर। घर आके जो मैंने दो आलू उबाले थे उनको जो है वो मैश किया, और मैंने सोचा कि इनको जो है वो नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को लंच में दे दूँगी आलू के पराठे। वैसे मैंने उनसे पूछा था कि आलू के कटलेट्स खाने हैं कि पराठे खाने हैं, तो उन्होंने कहा पराठे बना दो, तो मैंने सोचा कि पराठे बना देती हूँ। तो आपको ये अजीब सी वीडियो लग रही होगी, एक्चुअली मैंने वीडियो को रिवर्स कर दिया। मुझे आजकल ना बड़ा अच्छा लग रहा है रिवर्स करना, तो लाइफ को भी बड़ा दिल करता है कई दफ़ा कि हम रिवर्स कर दें और वही बचपन आ जाए, लेकिन खैर लाइफ तो रिवर्स नहीं कर सकते, लाइफ हमेशा फॉरवर्ड ही होगी। तो वीडियो को हम रिवर्स कर सकते हैं, और इसी से मैं अपना शौक जो है वो पूरा कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और अगर आपको मेरा व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को मुसीबतों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।